हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनल फिशर ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि घर बैठे ही फिशर को मात्र 3 दिनों में कैसे ठीक करें। ठीक दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि फिशर पाइल फिस्टुला में अंतर क्या होता है, कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको सुबह में जब भी बाथरूम के लिए जाना है, यानी कि जब भी शौच के लिए जाना है, आपको सबसे पहले 1 से 1.5 गिलास गुनगुना पानी पी कर जाना है। ठीक है, उसके बाद आप शौच करने के बाद जब आते हैं तो आपको 1.5 से 2 लीटर पानी को गर्म करना है, एक टब में रखना है, उसमें जो है एनल द्वार की सिकाई करनी है, यानी कि जहां पे फिशर है, जहां पे कटा फटा दरारे पड़े हुए हैं, उसकी सिकाई करनी है, यानी कि उसमें आपको बैठना है। और इसका ज्यादा अच्छा से अच्छा रिजल्ट के लिए मार्केट से आप बीटाडीन लिक्विड ला सकते हैं या फिर बीटाडीन क्रीम, यानी कि दोनों आप ले आइए। ठीक है, बीटाडीन लिक्विड को पानी में डालिए, उसके बाद आप बैठ के उसमें सिकाई करिए। ठीक है, 5-10 मिनट तक सिकाई करना है, सिकाई के बाद आपको उस क्रीम को यहाँ पे लगा देना है। इससे क्या होता है, सिकाई करने से वहां का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और जो दरारें आई रहती हैं उस जगह के आसपास रक्त वाहिकाओं में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, जिससे वो घाव हील होने लगता है, यानी कि घाव भरने लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखना है, आपके खान पान का। ठीक है दोस्तों, अगर सिकाई कर रहे हैं और खान पान में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो खान पान में आपको करना क्या है, सबसे ज्यादा आपको फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना है, जैसे कि फाइबर युक्त फल, केला, सेब, अनार, नाशपाती, पपीता, इन सब चीजों का सेवन करना है। ठीक है, उसके बाद अंकुरित बीज का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कि राजमा और उसमें 2-4 बादाम भिगा करके सुबह में आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप सलाद को भी ज्यादा से ज्यादा खाएं, जैसे कि चुकंदर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया। ठीक है, इन सब चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगता है तो आप गेहूं के चोकर की रोटी खा सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। मान के चलिए आपको हफ्ते 10 दिन तक ऐसा खाना खाना है। ठीक है, क्योंकि फाइबर युक्त भोजन करने से जो मल होता है वो टाइट नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, खाना पच जाएगा वो चीज, और वो बाहर आसानी से निकल जाएगा, जिससे एनल में दरारे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और दरारों को रिकवर होने में थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये सब चीजें 3 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर अगर ये ऐसा करने से नहीं ठीक होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर दिखाएं। इसमें क्या होता है, आप के ही लापरवाही की वजह से ये घाव पुराना हो जाता है, यानी कि आपके शर्म की वजह से आप किसी से बताते नहीं है, आप छुपा ले जाते हैं, इसके वजह से ही ये दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप छुपाएं ना या फिर शर्माएं नहीं, बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो एक छोटी सी ऑपरेशन होती है, आज एडमिट होंगे कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान होता है, नॉर्मल ऑपरेशन होता है, और एक आजकल तो लेजर ऑपरेशन भी चला हुआ है, उससे भी हो जाता है, जैसा आपको ठीक लगे आप करा सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन होने के बाद लगभग लगभग ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन आपको कुछ दिनों तक खान पान में ध्यान देना ही है। ठीक है, आपको ज्यादा तेल मसाला ऑयली चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।